नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। 18 दिन से जीएनएम की छात्रा लगातार गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे बैठी हुई है, मगर 12वां दिन से जिस तरह से ये लोग भूख हड़ताल की थी रात दिन, यानी आज 6ठा दिन है भूख हड़ताल का और 18वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का। देखिए, आज इसमें एक नया पोस्टर और बैनर लगा हुआ है, किस डर से यह लोग नहीं जाना चाहते। पढ़ाई ऑफ एजुकेशन यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का तो सवाल है ही, पीएमसीएच का पड़तर कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं कर सकता, पर जिसका डर है उसका देखिए बैनर पीछे लगा हुआ है। प्रभात खबर का कटआउट है हाजीपुर का। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं राजा पाकर, 13 वर्षीय किशोरी से चार युवकों ने किया गैंगरेप, प्राथमिकी दर्ज। यही डर है जिनके कारण यह छात्राएं राजा पाकर नहीं जाना चाहती। बार बार इन्होंने बोल रहा है कि पढ़ाई का तो बात है ही, बात हमारे सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि इस तरह से जो इनको भेजने चाह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। क्या हमने सही बोला ना? पीछे जो आपने आज नया पोस्टर लगाया है, डर सबसे ज़्यादा इसी का है, इसी बात का है। जिस एरिया में हमें भेजा जा रहा है वो क्रिमिनल जोन है, और जो लोकेशन है हमारे हॉस्टल का, वहाँ से 10 किलोमीटर तक सुनसान एरिया है, बिल्कुल जंगल एरिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ना कोई घर है ना कोई दुकान है। तो ऐसे जगह पे, वो भी जहाँ पे ऐसे रोज़ ऐसे वारदात हो रहा है, वहाँ पे जाने में बिल्कुल नॉर्मल है कि किसी को भी डर लगेगा, और हम 200 लड़कियाँ वहाँ पे रहेंगी तो डर तो बिल्कुल नॉर्मल है, जायज है। यानी सिटी से गाँव से बाहर हॉस्टल की व्यवस्था की गई? हाँ, गाँव के बाहर जैसे टाल वगैरह होता है ना, जहाँ पे सिर्फ उस तरह से है, बिल्कुल वैसे है, जंगल है। उस विजुअल वगैरह है आप लोगों के पास? बिल्कुल है, वीडियो है हमारे पास। उतना आउटसाइड एरिया में हॉस्टल की व्यवस्था की गई? हाँ, ऐसे आउटसाइड एरिया में बिल्कुल 10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और ऐसा एरिया पहले तो ये जो राजा पकड़ का एरिया, ये तो नॉर्मल जगह होगा जहाँ पे ऐसा हुआ है। हम लोगों को तो ऐसे जंगल में फेंका जा रहा है, वहाँ पे हमारे साथ कुछ होगा तो कौन देखने के लिए आएगा वहाँ पे? कोई देखेगा भी नहीं, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, कितनी लड़की गायब हो जाएगी पता तक नहीं चलेगा। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले रहे? कोई गारंटी नहीं ली जा रही है। जब हम लोगों का पीएमसीएच में एडमिशन हुआ तो हम लोग एफिडेविट अपना करवा करके दिए थे कि यहाँ हमारे साथ कुछ भी होता है अगर तो जिम्मेवारी मेरी अपनी है, मेरे गार्जियन की है। वहाँ पे रहना हम लोग खुद एग्री थे, हम लोगों को मंजूर था, तब ना हम लोग वो एफिडेविट करा के दिए थे। यहाँ पे हम लोगों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, तो आप एफिडेविट करा के दीजिएगा ना कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो आपका जिम्मेवारी होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऐसे जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर हम लोग क्यों चले जाए? ऐसे जबरदस्ती आप कहीं पे भी भेज दीजिएगा, जंगल में कहीं पे भी भेज दीजिएगा तो आदमी चला जाएगा। उसका सबूत आपने पेपर का कटआउट भी दिया, क्या कहीं ना कहीं डर तो यही है? आपने पीछे कटआउट लगा के सभी को बताना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन बहुत ज़्यादा है हमारे। बिल्कुल, जब लड़कियां ही वहाँ सेफ सिक्योर नहीं रहेगी तो हम अपना पढ़ाई और ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगे? वैसे भी ट्रेनिंग तो सदर अस्पताल में करनी है, ट्रेनिंग तो हम पीएमसीएच के स्टूडेंट तो वहाँ करना चाहते हैं, बट फिर भी जहाँ हम रहेंगे वहीं हम सेफ नहीं रहेंगे, तो आगे तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ घटना घटती ही रहती है। अभी रेप का मामला सामने आया, अभी इतने दिन गोली मार दिया गया था, मर्डर हो गया था, तो 200 छात्राएं जब रहेंगी तो सेफ कैसे रह सकती हैं? जहाँ हॉस्टल है उसके 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं, जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बार सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी ये लड़ाई बहुत लंबी चल रही है, आज तो 18 दिन से आप लोग गर्दनी बाग में है, भूख हड़ताल भी कर रही हैं, इस सरकार के बारे में क्या परसेप्शन है आप लोगों का? क्या कुछ सोच रही हैं कि यहाँ पे लगभग 20 बेटियाँ भूखी बैठी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्या कुछ होगा, कुछ मीडिया वाले आते नहीं? लग रहा है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसी सरकार आप लोग पहले सोचते थे इस स्तर पर आने से पहले, कहीं ना कहीं आप लोगों का नज़रिया बदल गया होगा इस सरकार के? बिल्कुल, सिर्फ नाम जो पहले सुशासन बाबू इतना ये सुना जाता था, अब तो लगता ही नहीं कि ये सुशासन है, ये तो कुशासन है। यहाँ पे बेटियों के कुछ नहीं, मतलब जो इतना वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, तो आज धरातल पे आप लोग देख ही सकते ना कि क्या कंडीशन है, बेटियाँ सड़कों पे है इतने दिन से, एक महीने से ज़्यादा से गुहार लगा रही है, लेकिन एक दिन भी वो सुनने तक नहीं आई। किस कुंभकर्ण की नींद में सरकार सो चुकी है? जबकि वो ज़्यादा दूर तो है भी नहीं, यहाँ से तो ज़्यादा दूर उनका आवास बस पीछे ही है, बस यहीं पे है, फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज तक हम लोग जब भी मतलब कभी वोट दिए तो नीतीश कुमार सर को ही दिए हैं हम लोग, मतलब उन्हीं की पार्टी को दिए हैं, लेकिन आज जब यहाँ पे हैं तो सब लोग हमको बोलता है कि तुम ही हो ना महिला सशक्तिकरण, तुम ही लोग के बल पे है ना आज वो शासन में, तुम ही लोग का हाल देखो क्या कर रहे हैं वो,
आज उन्हीं की वजह से तुम हो यहाँ पे। तो समझ में आता है कि हम लोग क्या कितनी बड़ी गलती की है उनको ये सत्ता दे करके। चलिए और छात्राओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या कीजिएगा आप लोग, लगातार 18 दिन से बैठी हुई है सरकार, तो कुछ सुन नहीं रही है। जब तक नहीं सुनेगी तब तक ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे हम लोग। प्राण त्याग दीजिएगा। जी बिल्कुल, बैठे रहेंगे, उनको सुनना ही होगा। हम लोग यहाँ से तो हिलने वाले नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और बाकी जो वहाँ पे हो रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है कि उस जगह पे क्या होता है, क्रिमिनल एरिया है, और वैसे जगह पे हमें भेजा जा रहा है जहाँ हमें हर पल वहाँ डर सताते रहेगा कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। इस वजह से हम लोग वहाँ एकदम नहीं जाना चाहते। और जहाँ तक रही हमारी प्रशिक्षण की बात, वो भी पूरी नहीं अच्छी तरीके से वहाँ हो ही नहीं सकती, जहाँ एक मेडिकल कॉलेज की बात है और वहाँ हम लोग का सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो जाता है कि आपको उस तरह का नहीं मिल पाएगा जिस तरह आप लोग पीएमसीएच में मांग। पीएमसीएच में जैसा हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम शायद उस पेपर का कटआउट के पास आप लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। यही कटआउट आज लगा है, 18वां दिन। देखिए 13 वर्षीय किशोरी से 4 युवक ने किया गैंगरेप। तो सोचिए इस तरह का वहाँ का खबर आता, देखिए राजा पाकर। और यहाँ पे देखिए बीकॉम की छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में अज्ञात के विरुद्ध हुई प्राथमिकी दर्ज। यानी कि यही सब डर है जिनके कारण ये छात्राएं नहीं जाना चाहती है वैशाली जिला। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात तो अलग है, दूसरी बात हो जाती है सुरक्षा की। इनका साफ तौर पे कहना है, जब हमें वहाँ पे लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग हॉस्टल में रहिएगा, सुरक्षा की मांग ये लोग कर रहे हैं कि हमें कम से कम सुरक्षा मुहैया किया जाए, आप गारंटी लीजिए कि हम वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। अगर यह सरकार 200 बेटियों को अगर सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकती है तो यह कैसी सुशासन की सरकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।